प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी मशहूर पत्रकार आरजू कासमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, और खासकर बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब, बहुत शुक्रिया सर कि काफी टाइम के बाद आप सब शिकायत होने लगी लोगों को। काफी दिन मैं दुबई गया था, मैं दुबई गया था काम से, एक तो वहां पे मैं गया तो 2-3 दिन के लिए था, लेकिन 2-3 दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ गया, मेरी तरफ से बहुत बहुत माजरत। लेकिन ये कि अब हर हफ्ते में 2-3 दफा करते रहेंगे, पिछली माजरत। नहीं बिल्कुल ठीक सर, वैसे तो हम बात करेंगे मोदी जी का जो मेगा इवेंट हो रहा है, जिसमें कि आप भी आपको भी इनविटेशन है, आप भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है ये? देखिए इनविटेशन का तो ये है कि मैंने तो खैर इनविटेशन खुद ली है, वो क्योंकि कंप्यूटर पे फॉर्म वगैरह भरना पड़ता था चीजें। हाँ ये जरूर बताऊंगा मैं आपको कि मैं मोदी साहब का जो पहला ट्रिप था, जो उन्होंने भारत का पहला ट्रिप किया था, वहां भी मैं उस वक्त गया था और उसमें बहुत बड़ा इवेंट था। और मोदी साहब का वहां पे तो इस तरह था जिस तरह बॉलीवुड का कोई हीरो आता है, वो जो स्टेज पर आए, स्टेज पे लाइट थी, स्टेज घूमता था, तो एक बड़ा बड़ा इमोशनल था वहां पे। मोदी से कुछ लोग मोदी साहब के लिए बाहर एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन मुझे हिस्टोरिकली ये मेरे पास ये आनर है। और वहां पे टी शर्ट दी जा रही थी, मैंने वो टी शर्ट भी मेरे पास मौजूद है मोदी साहब के पहले ट्रिप के ऊपर जो न्यूयॉर्क में था। लेकिन आज एक और उस पे साथ खबर है, वो लगता तो अजीब सा है, लेकिन पप्पू जी भी सुना आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं अमेरिका की, 8 सितंबर को वो भी आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी साहब की, वो भी आ रहे हैं और डायस्पोरा से मिलेंगे वो भी आगे। दूसरा जो आज कई बातें हैं करने वाली, पाकिस्तान के हवाले से भी, भारत के हवाले से भी। देखें वहां पे राजनाथ साहब आए हुए थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने कई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए, खासकर ड्रोन लेने के लिए और जो यहाँ पे जो इंजन असेंबल करने हैं इन्होंने भारत के, उसके हवाले से भी मीडिया ने बहुत इसका चर्चा किया है कि बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, क्योंकि मोदी साहब रशिया गए थे और उसी दिन वहां से अटैक हुआ था, फिर मोदी साहब यूक्रेन गए और उसके बाद जो मुझे वहां से अच्छा जो नहीं लगा कि मोदी साहब के आने के एक दिन बाद ही प्रेसिडेंट यूलास्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज किया भारत को, जाने के बाद तो नहीं करते भाई, वहां जब आए थे तो तब करना था। लेकिन वो भी जिस तरह, मैं तो उनके हक में नहीं हूं क्योंकि यूक्रेन एक करप्ट तरीन कंट्री है और जो पैसा अमेरिका ब्लड और स्वेट जो जा रहा है वहां पे सारा दुबई जा रहा है, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन जो आगे जो बात करेंगे, इस वक्त इंडिया का एक शिप जो है श्रीलंका जो है वो इस वक्त दे आर ऑन द पोर्ट, 3 शिप जो है दूसरे चाइना के भी आसपास घूम रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो भारत ने एक न्यूक्लियर सबमरीन जो है अग्निघात उसको लॉन्च किया है और 2030 तक 24 मजीद बनने का वो भी इम्कान है, जो नेवल चाइना की नेवल सुप्रीमेसी ऑलमोस्ट जो उस रीजन के अंदर है उसको काउंटर करना तो बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले हफ्ते फॉक्स कान के जो थे वो भी हेड थे, इंडिया के अंदर मौजूद थे और आज जो है नई खबर जो आई है कि इंडिया और सिंगापुर सेमी कंडक्टर का जो है वो भी आपस में वायदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। दूसरा जो मेरे मैंने ख्याल है उसमें मैंने अफसोस का इजहार नहीं किया था, मैंने पिछले दिनों 2 चीजें जो मेरे दिल के बड़े करीब थी, जो बहुत सख्त ज्यादा हुई है पाकिस्तान में भी हो रही है और बांग्लादेश के अंदर भी हो रही। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि कच्चे के डाकुओं ने यूट्यूब पर चैनल बना लिया है और उसके 10,000 पता नहीं कितने हजार फॉलोअरशिप भी आ चुकी है, वो भी अब हमारे इमरान खान साहब के लिए थ्रेट बन चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी तो आपको पता सिर्फ ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर ही पॉपुलर है। और जो मुझे जिसका मैं इजहार करना चाह रहा था, एक बंदे का जिक्र करना चाहूंगा जो बलूचिस्तान के अंदर पिछले दिनों पंजाबियों को मारा गया है, उनके शिनाख्ती कार्ड जो आधार कार्ड टाइप है उसको देख देख के उनके नाम कंफर्म कर,
एक आदमी की बहुत दर्दनाक स्टोरी है, महबूब हुसैन उसका नाम है, और ये सारे सेब और अंगूर के सारे व्यापारी थे पंजाबी, वहां से सेब और अंगूर लेकर आते थे बलूचिस्तान से, मजदूर लोग थे। महबूब हुसैन कौन था? 6 बच्चों का बाप था, उसने एक ट्रक खरीदा था शाहजोर जिससे वो अपने बच्चों का रोजगार कमाता था। जब वहां पे वो हमला किया गया तो उसके जो 7 लोग थे उसको कहते रहे कि ट्रक को छोड़ के भाग जाओ, लेकिन वो ट्रक नहीं छोड़ रहा था क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी वही थी, और उसको मार दिया गया है। लैया का रहने वाला था वो, 6 बच्चों का बाप था। ये मूसा खेल के अंदर 26 अगस्त वाले दिन ये वाकया। अब उन लोगों का कसूर क्या था? उनका सिर्फ कसूर यह था वो पंजाबी जबान बोलते थे, पंजाब के रहने वाले थे, और जानवरों की तरह उनको बुचर किया गया, मारा गया। पता नहीं क्या उससे हासिल किया गया है, मेरी समझ से बाहर। क्या अपना अलग देश बनाएंगे, क्या करेंगे? दूसरा, इस वक्त बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है? धर्म बेस के ऊपर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो चेंज क्या है? हम कहते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दौर के अंदर जा रहे हैं, लेकिन आज धर्म बेस फिर यही वो काम हो रहा है। 40,000 फलस्तीनियों को, जिसमें मैं समझता हूं हमास ने गलत किया, मैं उसको इंडोर्स नहीं करूंगा, 40,000 में से कितने जो होंगे वे दोषी होंगे, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका हमास के साथ कोई तल्लक नहीं है। दुनिया खामोश है, बांग्लादेश के ऊपर भी खामोश है। ये पंजाबी बलोची जो लोग मारे गए हैं उस पर भी दुनिया खामोश है। बच्चे यतीम हो रहे हैं, औरतें अपने हस्बैंड्स जो हैं उनको लूज कर रही हैं, माएं अपने बच्चे लूज कर रही हैं, अपने बेटे लूज कर रही हैं, और हम तमाशा बन के फिर रहे हैं, कोई समझ से बाहर। मैं हमेशा 1947 में 7 लाख से 20 लाख लोग जो उस वक्त मर्डर किए गए थे, बुचर किए गए थे फेथ बेस में, उनके भी हक में नहीं था। आज भी मैं अफसरदा हूँ उनके लिए, रोता हूँ उनके लिए। मैं अगले दिन भी मेरी आपको मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरा जो रिलेशनशिप है भारत के साथ वो ऐसा है, अनटूट है, वो टूटने वाला नहीं है। और मुझे ज्यादातर जो मेरे भारतीय दोस्त होते हैं उनके लास्ट नेम देखकर मुझे पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी साइड से भारत गए हैं या भारत के किस स्टेट में रहते हैं। पिछले हफ्ते मेरी एक लंच मीटिंग थी बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन से, जो के खुद यहां से लायलपुर से गए थे, जो लायलपुर था आज फैसलाबाद है, और सरगोधा से गए। तो मैंने उनके लास्ट नेम से फिगर आउट कर लिया था कि किस डिस्ट्रिक्ट से इनके एंड सिस्टर उठ के भारत गई। पंजाब के हिंदू थे, बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उनकी अमेरिका के अंदर उनकी काफी बिजनेस है, लेकिन ही इज चंडीगढ़ बेस्ड। तो जब मैंने उनसे, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे एंड सिस्टर लायलपुर और सरगोधा से, तो कहे, तो मैंने कहा नहीं है, लायलपुर और सरगोधा दोनों नई डेवलपमेंट थी। सरगोधा ने सरगोधा बनाया था, लायलपुर ने लायलपुर, नई एस्टेब्लिशमेंट। आपकी एंड सिस्टर सियालकोट से उठ के गई थी वहां से। तो वो हैरान हो गया कि तुम्हें इतना अंदाजा है। मैंने कहा अंदाजा है। मैं सबसे बड़ी कोशिश ये करता हूं हमेशा, जब भी मुझे इस तरह का कोई शख्स मिलता है, मैं उसको हमेशा पाकिस्तान की दावत देता हूं। और मैंने एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस की कई दफा, जब आप अपनी जन्मभूमि या आप ओरिजिन पे जाते हैं जहां से आपकी एंसेस्ट्री शुरू हुई है, तो आपके जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो जाता है। आप इतने इमोशनल और टची हो जाते हैं कि जिसकी कोई प्राइसलेस होता है। मैंने उनको भी दावत दी और मैं उनके साथ जाऊंगा। मैं ज्यादा दोस्तों को जब ज्यादा इसरार करता हूं, तो मैं उनके वहम होते हैं, चीजें होती हैं, खौफ होता है, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूं मैं आपके साथ जाऊंगा और उनको भी लेके जाऊंगा। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, इसको दूसरी साइड पे ले जाना चाहूंगा, आज जब हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है, भारत के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है, अमेरिका के अंदर इलेक्शन है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका इंपैक्ट पाकिस्तान भारत पे क्या होगा, नई ग्रुपिंग उस एरिया के अंदर हो रही है, उसका क्या होगा, उस ग्रुप्स में हमारा अगर बात की जाए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, ये कहां खड़े हैं। इस पे जाने से पहले जब मैं अगली बात आपसे बात कर रहा था कल परसों, इसी डिस्कशन में मैं चीजें ये भी देख रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हमारे इस वक्त एक बहुत पॉपुलर रूलिंग पार्टी के जो हेड हैं, वो लंदन वापसी की तैयारियां कर रहे हैं, और उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी से कहा कि मैं अपनी हुकूमत से जो है नून लीग कहूंगा सादगी अपनाए। बड़ा मुझे हैरानगी हुई इस बात पर कि आपके कहने पे इन्होंने सादगी को अपनाना है, ये खुद क्यों नहीं अपनाते? कंट्री जो बैंकरप्ट है,
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनकी पॉजिटिव व्यूज आपको काफी पसंद आएंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।